भारत और वेस्टइंडीज के बीच हैदराबाद में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शनिवार को वेस्टइंडीज की पहली पारी 311 रन पर सिमट गई। दूसरे दिन 7 विकेट के नुकसान पर 295 रन से आगे खेलते हुए वेस्टइंडीज अपनी पारी में महज 16 रन ही जोड़ सकी। हालांकि इस दौरान रॉस्टन चेज ने अपना शतक पूरा किया। रॉस्टन चेज ने 189 गेंदों पर 1 छक्के और 8 चौकों की मदद से 106 रन बनाए। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट उमेश यादव ने लिए। उमेश यादव ने 88 रन देकर 6 विकेट लिए। कुलदीप यादव ने भी 3 विकेट लिए। इससे पहले शुक्रवार को टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही थी और उसके 5 विकेट 113 रन पर गिर गए थे, लेकिन दिन का खेल खत्म होने तक उसने 7 विकेट के नुकसान पर 295 रन बना लिए थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच जीतकर भारत सीरीज में 1-0 से आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।